वॉट इज़ अपैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑन द ट्वेंटी चैनल इन टूडेज टू टॉक अबाउट दू डीन ड्राइविंग दिस पिकअप ट्रक फ्रॉम टू थाउजेंड एटीन इट्स बीन मोर देन फाइव ईयर ट्रक नाव पिकअप ट्रक्स आर न्यू इन इंडिया हर बंदा पिकअप ट्रक नहीं खरीदता इंडिया में एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2018 में पिकअप ट्रक खरीदने के बाद 2023 तक आ चुके हैं पाँच साल से ज़्यादा होने वाले हैं बट अगर हम पिकअप ट्रक सेगमेंट में प्राइजिंग की बात करें तो इसके प्राइजेस गए हैं ऊपर 2018 में इसोजो डी मैक्स वी क्रॉस को मैंने खरीदा था 15.5 पॉइंट फाइव लैक्स एक्स शोरूम में एंड आज के टाइम पे इसका एक्स शोरूम प्राइस प्राइज़ फ़ोर बाई फोर मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल का अराउंड 28 29 ट्वेंटी पड़ता है तो ऑन रोड ये गाड़ी 30 के ऊपर की पड़ती है सो so, आप देख सकते हो किस तरह से प्राइजेज जस्ट हवा में उड़े हैं पिकअप ट्रक्स के एंड अगर हिलक्स की बात करें तो हिलक्स तो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है आई थिंक अगर आप हिलक्स को आज के टाइम पे लेने जाओ तो इजीली अराउंड फोर्टी थ्री फोर्टी लैक्स ऑन रोड पड़ती है डिस्काउंट्स वगैरह अगर ना मिले तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द पिकअप ट्रक मार्केट राइट नाव एंड आज भी पाँच सालों के बाद भी जब भी मैं इस गाड़ी को लेकर रोड पर निकलता हूँ तो लोग इसको देखते हैं एंड लोग इसके बारे में पूछते हैं मुझसे कि क्या हमें इसुजू डी मैक्स वी क्रॉस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए तो so आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है फाइव रीजन्स वाई यू शुड पिक द इसुजू डी मैक्स वी क्रॉस एंड फाइव रीजन यू शुड नॉट बाय द इसूजू डी मैक्स वी क्रॉस सो दोनों साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन द फर्स्ट रीजन इफ़ यू आर समन हु लाइक्स टू क्रूज ऑन योर फोर व्हीलर डेट यू हैव इन द

फोर व्हीलर दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दिस इज मैंट फॉर पीपल हु लाइक टू राइड इन अ वेरी सीडेट मैनर आराम से क्रूज करना चाहते हैं ऑल दो वैन आई बॉट दू डी मैक्स वी क्रॉस इट वॉज अ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सी सी डीजल इंजन बट नाव द कन्फिग्रेशन इज़ अराउंड नाइनटीन हंड्रेड सी सी काफ़ी चेंजेज हुए हैं पावर ओवरऑल बी एच पी वगैरह बढ़ चुकी है मेरे पिकअप ट्रक की पी एच पी है हंड्रेड एंड थर्टी विच इज़ वेरी लेस कम्पेयर टू जो मॉडर्न कार्स आज कल आती हैं इवन आई थिंक रेटा वगैरह की भी इससे बेटर आती है सो दिस इज़ नॉट अ व्हीकल दैट विल गिव यू दैट ट्रेडिशनल ड्राइविंग प्लेजर वट आई मीन बाय दैट इज़ ड्राइविंग प्लेजर को कई लोग डिफाइन करते हैं कि आप जिस तरह से आपकी गाड़ी कॉर्नर्स में जाती है किस तरह से पहाड़ों में चढ़ती है वो चीज़ें इसके अंदर वो वाली कॉर्नरिंग uh, वाली जो केपेबिलिटी है वो मिसिंग होती है क्योंकि एक लैडर ऑनचैसी फ्रेम है थोड़ी सी हाई स्ट्रंग कार है ऊँची ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल होता है तो अगर आप इसको पहाड़ों में इधर उधर घुमाओगे तो आपको बॉडी रोल फ़ील होगा और वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो एक प्रीमियम मे बी लाइक 50 55 लाख सेगमेंट वाली गाड़ी में फ़ील होती है इफ़ आई हैव टू काइंड ऑफ समिट अप अगर आपको इस गाड़ी को ऐसे चलाना है जैसे ना रॉयल एनफील्ड की बुलेट चलती थी ना फाइव हंड्रेड सी सी टू हंड्रेड के बीच में चिल करते हुए चलाते जाओ और चलते ही जाओ फुल मज़ा आएगा अगर आप वैसे बंदे हो जिसको स्पीड पसंद है तो आप उसी बारे में बार बार सोचोगे और आपको लगेगा यार इतनी बड़ी गाड़ी ले ली ये तेज़ चलती क्यों नहीं है ऐसा नहीं है गाड़ी तेज़ नहीं चलती है चलती है हंड्रेड एंड तक पहुँचती है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस वहीकल में होता है इसमें वो वो कॉन्फिडेंस नहीं है गाइज़ द सेकेंड पॉइंट वाई यू शुड गो फॉर आई सुजू डी मैक्स वी क्रॉस इज ऑब्वियसली द लगेज लोडिंग कैपेसिटी लेट मी शो यू दिस ऑन माई वी क्रॉस आई हैव गॉटन अ ट्राईफोल्ड कवर इंस्टॉल्ड एंड इसको अगर आपको खोल के दिखाऊँ तो जगह ही जगह है यार गाड़ी में अंदर जाते जाओ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या आ जाएगा लिटरली मैंने तो अपना पूरा का पूरा घर शिफ्ट करा हुआ है एक दो बारी में इस गाड़ी के अंदर सो अगर आपको लगेज ज्यादा कैरी करने की जरूरत पड़ती है मे बी बिकॉज ऑफ योर पर्सनल और बिजनेस रीजन दिस इज द वहीकल दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर थर्ड रीजन वाई यू शुड पिक पिकूज डी मैक्स वी क्रॉस इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस वहीकल सो लाइक आई वॉज से पांच साल हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए एंड टिल नाउ इन पूरे पाँच सालों में मुझे आज तक एक भी इशू नहीं आया फ्रॉम एन इंजन एंड अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट ऑन दिस व्हीकल। नाउ दिस इज़ अ जैपनीज इंजन इसुज़ु, होंडा टोयोटा ऑल दीज आर जैपनीज इंजनस इनको बंदा रिलायबिलिटी के लिए खरीदता है एंड द ईसोज़ू टिल नाउ हैज़ कम्प्लीटली स्टक टू द इमेज द रिलायबिलिटी इमेज दैट अ जैपनीज इंजन शुड हैव एंड आज तक लाइक आई वॉज सेंग नो इशू एट ऑल मैंने हर टाइप की ट्रेन में गाड़ी चलाई है विंटर स्पिति किया है लद्दाख किया है जैसे मर्जी ट्रेन बोलो लंबे लंबे ट्रिप्स किए हैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब मैं गाड़ी में जाता हूँ क्योंकि अकेले तो मैं बाइक पर ट्रैवल करता हूँ सो so कभी भी ऐसा एक सीनारियो नहीं आया है जहाँ पर इस गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल इशू आया हो सो फ्रॉम अ रिलायबिलिटी स्टैंड पॉइंट माई एक्सपीरियंस इन द लास्ट फाइव ईयर्स इफ आई हैव टू रेट इट विल बी टेन आउट ऑफ टेन

इनडेफिनेट हाइट है इसमें इससे पहले मेरे पास कवर था जो 45 डिग्री खुलता था तो मैंने इसको चेंज कराया तीन साल के बाद सो आई फील दिस इज़ वन ग्रेट एरिया वेर यू कैन डू अ लॉट ऑफ कस्टम मॉडिफिकेशन इफ़ यू हैव अ पिकअप ट्रक अंदर की हालत देखो बिल्कुल मैं तेखाने की तरह यूज़ करता हूँ इसे तो पास स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर लेता हूँ मैं इसे सो दैट इज़ अ सॉट ऑफ स्पेस यू हैवन यू हैव अ पिकअप ट्रक विद यू अपार्ट फ्राम देट इफ़ यू लुक एट एनी ऑफ द पिकअप ट्रक्स एवरी वन हैज़ मॉडिफाइड दियर पिकअप ट्रक्स इन देयर ओन वे कुछ लोग व्हील आर्चिस को बड़ा कराते हैं कुछ लोग फेंडर्स को अपग्रेड कराते हैं कुछ लोग ऊपर रेलिंग्स बड़ी करवाते हैं कुछ लोग आगे वाले फेंडर्स बम्पर्स को ह्यूमंगस मॉन्सट्रस लुक देते हैं सो ऑल दैट कैन बी डन वेरी वेरी एफिशियंटली ऑन अ पिकअप ट्रक एंड यू कैन गिव योर ओन आइडेंटिटी टू द वहीकल दैट यू हैव सो कस्टमाइजेशन के मामले में पिकअप ट्रक फोर बाई फोर मार्केट के बारे में तो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा एंड दिस इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट मार्केट अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन दैट यू कैन डू on a pickup truck like an Isuzu D-Max V-Cross and finally the last the fifth reason for which you should actually look at buying the Isuzu D-Max V-Cross is the sheer size of the vehicle i mean no matter how many times i talk about it no matter how much old this vehicle gets still it attracts all the attention that you can expect on an indian road now look at the size here this is humongous and इफ़ यू नीड अ वहीकल दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड आई मीन मर्सडीज ऑडी वगैरह तो ठीक है बट जिस प्राइज़ में ये गाड़ी मैंने ली थी उसके हिसाब से जिस टाइप से ये अटेंशन गैदर करती है रोड पर ऐसी और कोई भी वहीकल नहीं है दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस मशीन एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स नॉट जस्ट अ लुकर इट्स सुपर रिलाईबल एज वेल तो दोज आर द फाइव रीजन्स वाई यू कैन स्टिल गो हैड एंड चूज़ अ पिकअप ट्रक लाइक द इस उजू डी मैक्स वी क्रॉस Let's go on to the five areas or five reasons why you should skip the Isuzu T Max V Cross. Number one. लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज द प्राइजिंग एज आई वॉज टेलिंग यू इन ट्वेंटी फिफ्टीन पॉइंट फाइव लैक्स एक्सो रूम दैट वॉज द प्राइज ऑफ दू डी वी क्रॉस हाई मॉडल वो सबसे टॉप मॉडल आता होता उस टाइम पे जिसमें क्रूज कंट्रोल आता था और साथ में कुछ एल ई डी यू नो लाइट्स आती थी आगे uh, और पीछे एंड साथ में ड्राइवर सीट आती थी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल यही फीचर्स थे हाई एंड मॉडल में जो मुझे फिफ्टीन पॉइंट फाइव लैक्स एक्स शो रूम में मिले थी एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम क्रेटा भी ना ऑलमोस्ट फिफ्टीन पॉइंट फाइव लैक्स पे आ रही थी मेरे को एक गाड़ी और उस टाइम में पसंद आई थी वो थी रेनॉ की कैप्चर जो शुक्र है मैंने नहीं ली बट वो भी अराउंड सोलह साढ़े सोलह लाख ऑन रोड पड़ रही थी तो उस कंपेरिजन में इसुजू वॉज अ नो ब्रेनर पिक जैपनीज इंजन द रोड प्रेसेंस एंड एवरी थिंग दैट आज जस्ट टॉक्ट अबाउट आज के टाइम में ट्वेंटी में 28, 29 lakhs मतलब आपका ऑन रोड प्राइस जा रहा है थर्टी वन थर्टी टू लैक्स मुझे ये प्राइस बिल्कुल भी समझ नहीं आता एंड उसके रीजंस हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड गाड़ी है नहीं जो इतना ज़्यादा प्राइस डिमांड करे तो इफ़ प्राइस इज़ समथिंग डेट इज़ एन इश्यू फॉर यू कई लोगों के लिए नहीं होता बट मोस्ट ऑफ़ द पीपल अगर आप तीस बत्तीस लाख की गाड़ी खरीदने के लिए पैसे डालने के लिए तैयार हो तो category में भी जिनके लिए आप जा सकते हो Second रीजन इज द लैक ऑफ फीचर लोडेडनेस इन दिस vehicle. अब मैं आपको इसका लाइव example दिखाता हूँ ये देखो सो so, ये है हमारा पूरा अंदर का हिसाब किताब अगर आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पे कुछ फैंसी नहीं है गाने बंद हो जाओ यार हाँ सो so, ये हमने सिस्टम आफ्टर मार्केट लगाया है आज के टाइम पे ये ब्लॉक पंक का सिस्टम इनबिल्ट आता है वो जो तीस बत्तीस लाख रुपए की जो गाड़ी आती है उसमें ये इसको इनबिल्ट लगाते हैं अराउंड फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का एडिशनल लग जाता है ए वाली यूनिट भी बहुत बेसिक लगती है नथिंग मेजर में बिल्कुल शेवरले की जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी उस टाइप की है सो कुछ भी सोफेस्टिकेशन नहीं है आज के हिसाब से द प्रॉब्लम इज़ ट्वेंटी में ये फिर भी थोड़ा बहुत मैंने झेल लिया बट आज के टाइम में 2023 में जहां पे इतने मॉडर्न टाइप के इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स आ रहे हैं ये वाला पूरा एरिया फ्रंट आपका जो एरिया होता है गाड़ी का जहां पे स्टेयरिंग होती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है ऑडियो uh, सिस्टम्स होते हैं दिस हैज़ बीन अपग्रेडेड टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट कि ये ऐसा लगता है कि यार लिटरली बहुत पुरानी गाड़ी है और ऐसी पुरानी टाइप की फील वाली गाड़ी में तीस लाख रुपए लगाना डजेंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी सो दैट इज़ वन रीज़न दैट यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर अगर आपको एक टेक लोडेड कार चाहिए दैन इसेफिनेटली नॉट द वे टू गो दिस इज़ अ व वेरी सिंपल कार जिसमें बेसिक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया चलते हैं बट वो जो शूशा फीचर्स होते हैं ना वो नहीं है फॉर एग्जाम्पल सनप्रूफ भी नहीं है यार सन प्रूफ होती है सनप्रूफ भी नहीं है इस गाड़ी में तो सन प्रूफ ऐसे करेंगे क्या क्योंकि पीछे लोडिंग पे है बट स्टिल मतलब वो जो सनप्रूफ का जो स्टाइल चाहिए होता है नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों को वो भी मिसिंग है इस गाड़ी में समथिंग डेट आई साइटेड एज एन एडवाटेज द साइज़ इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली इट्स डिसएडवाटेज अगर आपके पास घर के आसपास इसको पार्क करने की जगह नहीं है ढंग से एक एलोकेटेड पार्किंग नहीं है आपके पास तो इस गाड़ी के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है मैं अपने कुछ रिलेटिव के घर अभी थोड़े दिन पहले तक जाता था नोएडा में वहाँ पर वो सेक्टर में पार्किंग होती थी जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी पार्किंग की तो वहाँ पर ऐसी गाड़ी को इधर उधर दो तीन गाड़ियों के बीच में घुसा के खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर खड़ी हो जाए इसके आसपास चिपका के दो लोग गाड़ी लगा जाएँ इसको निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो ये जो साइज़ इसकी एडवांटेज लगती है फ्रॉम एन अटेंशन गैदरिंग स्टैंड पॉइंट ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है फॉर्चुनेटली जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पास एक डेडिकेटेड पार्किंग है तो मेरे पास पार्किंग की लड़ाइयों का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आई हैव बीन एबल टू लिव विद इट पीसफुली सो फार जिस सिटी में मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा वहाँ पे ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है तो मुझे ट्रैफिक को भी ज़्यादा डील नहीं करना पड़ता बट एट द सेम टाइम इस गाड़ी को मैं ट्रैफिक में अच्छे से चलाता हूँ मुझे आदत पड़ गई है तो आई डील विद इट वेरी इजिली क्योंकि आई ट्रैवल टू गुड़गांव फॉर माई वर्क ट्वाइस और थ्राइस अ वीक सो अच्छे खासे बंपर डु बम्पर ट्रैफिक में फंस कर आता हूँ सो so,

बट आई वुड से इट इज अलॉट मोर सॉफ्टर देन यू एक्चुअली सॉफ्ट अगर आप प्रॉपर ऑफ कर रहे हो ना तो वहां पे ये गाड़ी बढ़िया चलती है बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब छोटे मोटे हाईवे पे पैचेस आते हैं हल्के फुलके तो एक गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना वो ऐसे है ऐसे स्मूथ सा बाउंस होता है ऊपर नीचे बंदे बैठे हैं यूं यूं ऐसे ऐसे हल्का हल्का झूल रहे हैं ये जो ऊपर नीचे होना है ऐसे ऐसे करके एक स्मूथ मैनर में वो आपको इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करता क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन है तो बॉटम आउट नहीं होता ऐसे कोई थर्ड टाइप की नहीं आती आपकी गाड़ी में बट एट द सेम टाइम लाइक आई वो इसमें बॉडी रोल इतना है और छोटा मोटे जो गड्ढे होते हैं अगर आप उसमें से धीरे निकालो तो आपको वो गड्ढे पूरा हिला के रखते हैं ऐसे यूं यूं ऐसे पूरी चार लोग बैठे होंगे पूरा झूम सा जाएंगे बट एट द सेम टाइम अगर आप उन गड्ढों के ऊपर से खींच के गाड़ी को निकालो ना तेज़ हाई स्पीड पे तो वो गड्ढे आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होते जो पैसेंजर्स हैं उनको इतना ज़्यादा ना उछलते नहीं है राइट लेफ्ट जितना धीरे निकालते हैं उतना ज़्यादा इसका बाउंस है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है विच इज़ समथिंग दैट पीपल टेक टाइम टू गेट यूज टू इनफैक्ट जब मैंने ये गाड़ी पाँच साल पहले ली थी पहले एक दो दिन तो मुझे लगा था यार पता नहीं क्या ही ले लिया इतनी ज़्यादा गाड़ी यूं यूं क्यों हिलती रहती है मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे कहीं जा रहा था उस पर हल्का सा पैच वर्क पर भी गाड़ी जैसे हल्की सी मतलब बाउंसी सा एक करेक्टर है इस गाड़ी का हमेशा रहता है तो उसकी थोड़ी सी आपको आदत डालनी पड़ेगी कई लोगों के लिए इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी तो अगर आपको बिल्कुल एक क्लाइंट सीडैंड टाइप की राइड चाहिए तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक होगा सो टेस्ट राइड द वहीकल एंड देन टेक द कॉल क्योंकि ये एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है फ्रॉम ऑल द अदर एस और वहीकल्स दैट कॉल दैम सेल्व एज एस सो दोज वर द फाइव रीजन एक्चुअली द फिफ्थ वन विच इज़ लैक ऑफ टेक आई ऑलरेडी कवर्ड सो दीज रीजनज are the ones that you need to actually think of and avoid the Isuzu D-Max V-Cross if any of these are important factors for you so that is it for this video guys i hope all these five points five pros and five cons of the Isuzu D-Max V-Cross coming from an actual owner like me who has actually uh, driven this vehicle for almost 92000 plus kilometers over the last 5 years i think aapko a video help karega if you are evaluating this car uh, let me know if you have any other questions in the comment section below. I'll be happy to answer them. And I'll see you in the next video, guys. Bye bye. Take care and ride safe.